हेलो फ्रेंड्स, मारे यूट्यूब चैनल लिब्रामोटिव में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन और अन्य एग्जाम्स के लिए ये MCQ अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में दिए जाते। यदि आप पुस्तकालय और सूचना प्रबंधन के छात्र हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अपनी अगली लाइब्रेरी साइंस परीक्षा की तैयारी के लिए इन MCQ को आप पढ़ सकते हैं। आज हम टोटल 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रोलोगमिना नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? विथ विच सब्जेक्ट इज द बुक कॉल्ड प्रोलोगमिना रिलेटेड? सही आंसर है वर्गीकरण। क्वेश्चन नंबर टू, क्लासिफिकेशनिस्ट कौन होता है? हु इज अ क्लासिफिकेशनिस्ट? वर्गीकरण पद्धति का निर्माता, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर थ्री, वर्गीकार कौन होता है? व्हाट इज अ क्लासिफायर? पुस्तकों का वर्गीकरण करता, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर फोर, निम्न में से कौन वर्गीकरण निर्माता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिफिकेशन मैन्युफैक्चरर? ऑप्शन ए, सेयर्स। क्वेश्चन नंबर फाइव, ग्रंथ वर्गीकरण का पहला विद्वान कौन था? हु वॉज द फर्स्ट स्कॉलर ऑफ स्क्रिप्चर क्लासिफिकेशन? ऑप्शन सी, बेकन। क्वेश्चन नंबर सिक्स, प्रथम वाद्यात्मक वर्गीकरण पद्धति किसने निर्मित की थी? हु क्रिएटेड द फर्स्ट यूफेमिस्टिक क्लासिफिकेशन मेथड? ऑप्शन डी, गैसनर। क्वेश्चन नंबर सेवन, अपूपा विधि किससे संबंधित है? व्हाट इज द अपूपा मेथड रिलेटेड टू? ऑप्शन ए, वर्गीकरण। क्वेश्चन नंबर एट, वर्गीकरण की अवशेष विधि क्या खोजने के लिए होती है? व्हाट इज द रेजिड्यू मेथड इन क्लासिफिकेशन टू फाइंड? ऑप्शन डी, व्यक्तित्व पक्ष। क्वेश्चन नंबर नाइन, प्राकृतिक भाषा से वर्गीकरण की भाषा में किसी पुस्तक के लिए किए गए अनुवाद को क्या कहते हैं? व्हाट इज द ट्रांसलेशन डन फॉर अ बुक फ्रॉम नेचुरल लैंग्वेज टू क्लासिफिकेशन लैंग्वेज? ऑप्शन बी, वर्ग संख्या। क्वेश्चन नंबर टेन, प्रोलेगोमिना नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हु रोट अ बुक कॉल्ड प्रोलेगोमिना? ऑप्शन डी, रंगनाथन।